आज की वीडियो में मैं आपको 3 ऐसे योग आसनों का अभ्यास सिखाऊंगी जिनका अभ्यास अगर आप निरंतर करते रहते हैं तो आपका डाइजेशन बेहतर होगा, जो कुछ भी खाया पिया है बहुत अच्छी तरीके से पचेगा और जो चीज़ें शरीर के लिए ज़रूरत की नहीं हैं वो मल और मूत्र के द्वारा शरीर से बाहर निकल जाएंगी। दूसरा फायदा ये है कि इनका अभ्यास निरंतर करते रहने से आप बूढ़े बहुत जल्दी नहीं होंगी, यानी एंटी एजिंग का काम करेगा। कैसे? कि इन अभ्यासों को करते रहने से शरीर में गजब का लचीलापन आता है, आपकी जो रीढ़ की हड्डी है ना, स्पाइनल कॉर्ड, वो बहुत अच्छी तरीके से खिंचती हैं, जिससे कि उठना, दौड़ना, भागना किसी भी उम्र में हो कोई भी चैलेंज नहीं आएगा ये सारी चीज़ें करने में। इसके अलावा जब इन अभ्यासों को आप करते रहते हैं तो ये आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं, यानी कि रोगों से लड़ने की क्षमता इम्प्रूव होगी। और साथ ही इन अभ्यासों को करते रहने से बहुत ही ज़्यादा अगर आपके बाल टूटते हैं, झड़ते हैं, लाइक समय से पहले अगर आपके बाल ग्रे होते हैं, चेहरे पर ये नेचुरल ग्लो को प्रमोट करेगा ये सारे अभ्यास। फ़ायदे तो मैंने आप सभी को बता दिया, लेकिन सावधानियां भी ज़रा सुन लीजिए। अगर आपकी तबीयत ख़राब है, सर्दी, ज़ुकाम, बुखार है, ऑलरेडी शरीर में इतनी ऊर्जा नहीं है, तो फिर इन अभ्यासों को करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पहले आप ठीक हो जाएं, फिर इन अभ्यासों को करें। दूसरा, प्रेगनेंसी और पीरियड्स के दौरान महिलाएं इसको ना करें। अगर आपको किसी भी तरीके की एब्डोमिनल सर्जरी यानी पेट पर किसी भी तरीके का कोई ऑपरेशन हुआ है, स्पाइन में की कोई सर्जरी हुई है, या कि फिर अगर आपको कोई चोट लगी है, इंजरी हुई है, तो भी आप इन प्रैक्टिसेस को बिल्कुल भी ना करें। चलिए बिना देर किए हुए इन अभ्यासों को सीखते हैं स्टेप बाय स्टेप। एक बात और, ये अभ्यास मैं आपको सिखाऊंगी तो साथ ही मैं आपको कुछ एडिशनल ऐसे मॉडिफिकेशन और वेरिएशंस बताऊंगी, यानी कि मान लो जो कोई ये अभ्यास नहीं कर पाते हैं तो बिगनर्स के लिए कुछ ज़रूरी टिप्स दूंगी। इसीलिए पूरी की पूरी वीडियो को आपको बहुत तसल्ली से, आराम से एक एक स्टेप्स को देखना है। अगर चैनल में नए आए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार का आपको अटूट हिस्सा बन जाना है। साथ ही आप नीचे जो घंटी का निशान दिख रहा है उसको अगर दबा लेते हैं तो मेरी वीडियोस जब भी मैं अपलोड करूंगी उसके नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल जाया करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं शहीदा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल योगा विद शहीदा में। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? तो सबसे पहले हम खड़े होकर किए जाने वाले आसन का अभ्यास करेंगे जिसका नाम है पाद हस्त आसन। इस आसन को करने का बहुत आसान तरीका मैं आपको बताऊंगी। पहले अपने दोनों पैर की एड़ियों और अंगूठों को इस तरीके से जोड़ लें, दोनों हाथों को बॉडी के साइड में रखें इस तरीके से, और एक सावधान की स्थिति में खड़े हो जाएं ऐसे। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे कि अपने दोनों हाथों को ऊपर की तरफ, छत की तरफ खींचे, दोनों बाजुओं को कान के पास लगा रहने दें, सांस लें और सांस छोड़ते हुए देखिए दोनों हाथों को ऐसे आगे की तरफ आपको खींचना है, जिससे कि आपकी स्पाइनल कॉर्ड जो है वो खींची हुई हो, और धीरे 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 इस तरीके से आपको आगे की तरफ झुकना है, और फिर दोनों हाथों को अपनी योगा मैट पर इस तरीके से आपको ड्रॉप करना है, जिससे कि दोनों के दोनों पैर जो है बीच में हो और दोनों हाथ उनके साइड में हो, और आपको माथे को घुटने की तरफ इस तरीके से पुश करना है ऐसे, इस तरीके से माथे को अपनी नी की तरफ ऐसे पुश करना है ऐसे, इस तरीके से, ऐसे इस तरीके से। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको कम से कम 5 से 10 सेकेंड होल्ड करना है ऐसे, जितनी देर आप कंफर्टेबल हो। फिर उसके बाद सांस लेना है, धीरे 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 उठ जाना है और रिलीज कर देना है पॉस्चर को। अब सांसों का ध्यान रख के किस तरीके से आप अभ्यास करेंगे देखें। सांस लें और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए हाथ को देखिए आगे की तरफ खींचती हुई मैं इस तरीके से झुकती जा रही हूँ, झुकती जा रही हूँ, झुकती जा रही हूँ, और माथे को पुश कर रही हूँ घुटने की तरफ, और हथेलियों को मैट पर रखा है, माथे को घुटने की तरफ ऐसे पुश करती जा रही हूँ ऐसे। फिर उसके बाद सांस लूंगी धीरे 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 धीरे, और फिर रिलीज कर दिया। तो इस पोस्चर का अभ्यास कम से कम आपको 3 बार करना है, और हर बार आप सांस लेंगे, खड़े होंगे, सांस छोड़ते हुए सामने की तरफ झुकेंगे, और फिर उसके बाद माथे को घुटने की तरफ लगा के सांस को रोकेंगे, और फिर उसके बाद सांस लेते हुए पोस्चर को रिलीज कर देंगे। तो इतना ये अभ्यास हो गया। अब लेकिन बहुत से लोगों के लिए प्रॉब्लम ये होती है कि
उनकी लोअर बैक में बहुत दर्द होगा या साइटी का पेन होगा या कि फिर कमर के आसपास बहुत कड़ापन होगा, आपकी हैमस्ट्रिंग्स बहुत टाइट होगी। तो बहुत बार क्या हो करते हैं ना लोग ऐसे इस तरीके से ऐसे झुकने की कोशिश करते हैं, स्पाइनल कॉर्ड को राउंडेड कर देते हैं यानी गोल गोल कर देते हैं। अब मैंने पहले ही आपको बता दिया कि स्पाइन को आपको आगे की तरफ खींचना है, लेकिन आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर घुटने को हल्का सा इस तरीके से ऐसे मोड़ कर ऐसे सामने झुक सकते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे। लेकिन अगर अभी भी हाथ मैट तक ना पहुँचे तो आप क्या कर सकते हैं, योगा ब्लॉक होगी आपके पास, उसको इस तरीके से रखकर स्पाइन को सीधा रखिएगा। अगर माथा घुटने की तरफ ना जाए कोई बात नहीं, आपके पेट पर दबाव आपकी थाई का पड़ेगा और हेड को ऐसे इस तरीके से डाउन कर देंगे आप ऐसे। ज़रूरी है कि पेट पर दबाव पड़े और फिर घुटना जितना खुल सके, हल्का 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 जितना खुल सके उतना खोलना है। अगर इतना ना खुल सके तो हल्का सा आपको बेंड करके रखना है ऐसे और माथे को घुटने की तरफ लेके आना है ऐसे। अब तीसरे केस में हो सकता है कि आपका, बहुत से लोग ओबेसिटी के शिकार हैं, मोटापे के शिकार हैं, तो क्या कर सकते हैं कि अपने पैरों के बीच में ऐसे आप फासला कर सकते हैं और हल्का सा घुटना मोड़ सकते हैं ऐसे ऐसे, जिससे कि आपका पेट जो है दोनों पैरों के बीच में आ जाए और फिर उसके बाद अपने हेड को ऐसे ड्रॉप कर सकते हैं। तो मैंने इसके वेरिएशन भी बता दिए इस तरीके से। दोस्तों अगर आप सभी मेरी निगरानी में रह के योग का अभ्यास करना चाहते हैं तो आप सभी का स्वागत है मेरे द्वारा संचालित की जाने वाली ऑनलाइन योगा क्लासेस में। इन ऑनलाइन योगा क्लासेस में हम हर रोज़ एक घंटे अपने घर के ही कंफर्ट जोन में रहकर जूम के माध्यम से कनेक्ट होके अलग अलग तरीके के आसन, प्राणायाम, ध्यान, रिलैक्सेशन, अलग अलग तरीके की क्लिंजिंग टेक्निक किस तरीके से करते हैं ये सारी चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगी। साथ ही अगर आप सोच रहे होंगे कि इस क्लासेस को कौन ज्वाइन कर सकता है, कोई भी व्यक्ति, अगर आप मेल हैं, फीमेल हैं, उम्र के किसी भी पड़ाव में हैं, अगर आपको किसी भी तरीके की हेल्थ कंडीशन है जैसे थायराइड, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर, रात में नींद नहीं आती, पीसीओडी की समस्या है, डाइजेशन की समस्या है, वेट लूज़ करना चाहते हैं, वेट गेन करना चाहते हैं, इन सारी की सारी हेल्थ कंडीशन जो लाइफस्टाइल में गड़बड़ी के कारण हुई है ना, इनमें आपका योग अभ्यास करना बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। और जो मेरे एग्जिस्टिंग स्टूडेंट मेरी निगरानी में योग का अभ्यास कर रहे हैं और उनको इस तरीके की हेल्थ कंडीशन जो भी थी उससे उनको उभरने में बहुत मदद मिली है, उनकी हेल्थ कंडीशन में बहुत ही ज़्यादा सुधार आया है। इसीलिए मैं आप सभी को हाईली रिकमेंड करूँगी कि क्लासेस ज़रूर ज्वाइन करें। हो सकता है किसी कारण से आप ये जूम क्लासेस ना ज्वाइन कर पाए, कोई बात नहीं, मैंने कुछ एक घंटे के वीडियोस इस तरीके से रिकॉर्ड करके अपनी वेबसाइट पर अपलोड किए हुए हैं कि इन वीडियोस को प्ले करके अपने घर के ही कंफर्ट जोन में कितनी भी बार किसी भी वक्त आप इन वीडियोस को प्ले कीजिए और अपने योग के अभ्यास को शुरू कर दीजिए। अगर आप जानना चाहते हैं कि इन वीडियोस को में आपको क्या क्या मिलेगा, इनमें भी आपको आसन, प्राणायाम, ध्यान कैसे करते हैं ये सारी चीज़ें, यानी बिगनर्स के लिए कंप्लीट बिगनर फ्रेंडली है, बिगनर्स के लिए कोर्स मैंने डिज़ाइन किया है। और अब आप सोच रहे होंगे कि इन कोर्सेज और क्लास के बारे में और जानकारी भाई हमें कहाँ से मिलेगी, तो बिना देर किए हुए मेरी जो वेबसाइट है www.yogawithshahida.com इस वेबसाइट पर विजिट कर लीजिए, या कि फिर मैंने यहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर शेयर किया हुआ है, इस व्हाट्सएप नंबर पर अगर आप एक व्हाट्सएप कर देते हैं तो आपको क्लास और कोर्स के बारे में सारी की सारी जानकारी भेज दी जाएगी, जाइए चेकआउट कीजिए। अब हम अगले आसन का अभ्यास करेंगे जिसका नाम है पश्चिमोत्तानासन। इसका अभ्यास बैठे बैठे आराम से करेंगे, दोनों पैरों को इस तरीके से आप अपनी बॉडी के सामने स्ट्रेच करके बैठ जाएंगे, सामने देखते हुए दोनों पैर की एड़ियों को और अंगूठों को एक दूसरे के साथ जोड़ लीजिएगा। अब क्या करेंगे, दोनों बाजुओं को कान के पास लेके जाइए, सांस लीजिए इस तरीके से, सांस लेते हुए थोड़ा सा पीछे की तरफ झुकिए ताकि स्पाइनल कॉर्ड खिंच जाए यानी आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी हो जाए और पेट की मांसपेशियां बहुत अच्छी तरीके से खिंच जाएं और नज़रें सामने की तरफ हो। सांस लीजिए और सांस छोड़ते हुए धीरे 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 इस तरीके से आप सामने की तरफ झुकेंगे। अगर आप अपना पैर का अंगूठा, बिग टो पकड़ पाएं तो अच्छी बात है और फिर उसके बाद धीरे से माथे को घुटने की तरफ पुश करेंगे ऐसे। और यहाँ पर पोस्चर को होल्ड करेंगे, ठीक है,
कम से कम 5 से 10 सेकेंड के लिए, जितना आपकी क्षमता हो। 1, 2, 3, 4, 5। फिर उसके बाद सांस लेंगे, धीरे 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 हाथ को उठाएंगे और फिर पॉस्चर को रिलीज कर देंगे। अब लेकिन बहुत बार ये होता है कि आप अपने पैर के बड़े अंगूठे को नहीं पकड़ पा रहे हैं, तो सिंपली क्या करेंगे, सांस लेंगे और सांस छोड़ते हुए हाथ को आगे की तरफ खींचना है, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना है। पैर के अंगूठे को पकड़ने के चक्कर में आप ऐसा ना हो कि इस तरीके से ऐसे झुक जाएं, स्पाइन सीधा रखिए, हाथ जहां तक पहुंचे हाथ को वहां तक जाने दीजिए। बस आप ये चेक करते रहिए कि पेट पर आपके दबाव पड़ रहा है या नहीं, आपकी लोअर बैक पर खिंचाव पड़ रहा है या नहीं, और साथ ही घुटने के पीछे आपको खिंचाव आ रहा है या नहीं, बस आपको इतना देखना है। अंगूठे को पकड़ना, ये धीरे धीरे जब आप अभ्यास करते रहेंगे तो फ्लेक्सिबिलिटी अपने आप आपकी बढ़ जाएगी और आप कुछ दिनों में अपने अंगूठे को भी पकड़ लेंगे। इस तरीके से यहाँ तक हाथ रखिए, यहाँ तक हाथ रखिए, यहाँ तक हाथ रखिए, जहाँ तक पहुँच सके हाथ इस तरीके से, और अपने पैर को पकड़िए। और इसके अलावा अगर इसमें भी आपको दिक्कत आ रही है तो आप क्या करें, अपने दोनों पैरों को घुटने से ऐसे मोड़े और दोनों पैर के अंगूठे को उंगलियों के हाथ से इस तरीके से ग्रिप बनाएं और फिर उसके बाद ऐसे पकड़कर और फिर धीरे 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 एड़ियों को ऐसे आगे जाने दें। अगर इतना पैर खुले तो यहाँ तक होल्ड करें, अगर इतना पैर खुले तो यहाँ तक होल्ड करें, और अगर पूरा खुल जाए तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पर होल्ड करके रखें, पेट पर थाई का दबाव पड़ रहा है, और हेड को डाउन कर लें इस तरीके से। अगर पूरा माथा घुटने तक ना पहुँच पाए कोई बात नहीं, और अगर पहुँच जाए तो यहाँ पर ऐसे होल्ड करें और फिर रिलीज कर दें। तो सांसों का ध्यान कैसे रखना है, सांस लिया, सांस छोड़ते हुए सामने झुक गए, सांसों को रोक के रखा, 1, 2, 3, 4, 5, और फिर सांस लेते हुए पॉस्चर को रिलीज कर दिया। तो इस अभ्यास को भी आपको 3 बार करना है और हर एक बार पॉस्चर को 5 से 10 सेकेंड होल्ड करके रखना है। अब हम बढ़ रहे हैं अगले अभ्यास की तरफ जिसका नाम है हलासन। इसको लेट कर करेंगे, ठीक है ना। इस तरीके से आपने अपनी योगा मैट पर आराम से लेट जाना है और अपनी टी शर्ट को ऐसे टक कर लेना है अपने पैंट के अंदर, ऐसे इस तरीके से ऐसे। अब दोनों पैरों को आपने उठाया 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 और फिर धीरे से ऐसे उठाते हुए अपने सर के पीछे लेके जाएंगे और अपने दोनों हाथों की मदद से कमर को सपोर्ट करेंगे, ऐसे 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 ऐसे, और आपके दोनों पैर के अंगूठे ऐसे मैट पर ज़मीन पर है इस तरीके से, और दोनों हाथों को आपने ऐसे फ्लोर पर रख देना है इस तरीके से। अगर जोड़ सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जोड़ सकते तो मैट पर रखें या कि कमर पर रखें, और फिर धीरे धीरे जब वापस आना है तो अपनी कमर को ऐसे एक एक वर्टीब्रा से ऐसे ड्रॉप करते जाएं। लेकिन ये अभ्यास जो है बहुत से लोगों के लिए इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि जब आप ये अभ्यास करेंगे तो आपकी गर्दन जो है वो लॉक हो जाएगी, ब्रीदिंग में बहुत ज़्यादा परेशानी आएगी और आपकी स्पाइनल कॉर्ड इतनी फ्लेक्सिबल नहीं होती है, तो आप क्या करेंगे कि इसको कुर्सी के सहारे करेंगे। मैंने अपने सर के ऊपर रखी है कुर्सी और दोनों हाथों से इस तरीके से मेजर कर लिया कि कुर्सी जो है आराम से आपकी योगा मैट पर रखी हुई हो, ताकि आप इस कुर्सी पर एक एक पैर के सहारे भी अभ्यास कर लें। तो दोनों हाथों को वापस से आपने रख दिया मैट पर और फिर उसके बाद धीरे से दोनों पैरों को इस तरीके से उठाया और फिर उसके बाद कमर को हल्का सा उठाते हुए ऐसे 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 इस तरीके से दोनों पैरों को आपको रख देना है कुर्सी के ऊपर। अगर आपका बैलेंस बने तो फिर हाथों को छोड़िए इस तरीके से, या कि फिर उंगलियों को लॉक करके इस तरीके से सीधा कर लीजिए, और अगर ना हो पाए तो दोनों हाथों को ऐसे फ्लोर पर रखिए ऐसे, या कि कमर के नीचे रखिए, और कम से कम इस पॉस्चर को 10 सेकेंड या नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ 30 सेकेंड होल्ड करके रखेंगे और फिर धीरे से कमर को हल्का 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 लोअर डाउन करेंगे
और फिर उसके बाद पॉस्चर को रिलीज करके आराम से शवासन में ऐसे लेट जाएंगे। देखा आपने कितनी आसानी से मैंने ये तीनों योगासन आपको करके बताए, सिखाए, समझाए। इसके अलावा इसमें कुछ बिगनर्स के लिए भी बहुत ज़रूरी टिप्स शेयर की, जिससे कि कोई भी व्यक्ति इन आसनों का अभ्यास कर सके। आशा करती हूँ आपको इन वीडियो से बहुत लाभ मिल रहा होगा। साथ ही अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा जाने से पहले। और अगर आपका कोई सजेशन है कि मैं फ्यूचर में कौन से टॉपिक पर वीडियो बनाऊं, तो मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को खुद तो देख लिया है, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी इस वीडियो को फॉरवर्ड कर दीजिएगा, व्हाट्सएप कर दीजिएगा, ताकि उनको भी इस तरीके की वीडियो से लाभ मिले। साथ ही इस वीडियो को जाने से पहले थम्स अप करके एक लाइक भी कर दीजिएगा और इसी तरीके से खूब सारा प्यार कीजिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपने दोस्तों अपने परिवारों का ख्याल रखिए। नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी मिलूंगी। नमस्ते।